अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शोकतास कुकिंग सेंट्रल। आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ गरम मसाले लिए हूँ। ये मैं पुलाव बना रही हूँ 1.25 किलो का, यानी 1 किलो 250 ग्राम। तो इसके लिए मैंने कुछ यहाँ गरम मसाले लिए हूँ। यहाँ मैंने 3 टुकड़े मैंने यहाँ सिनेमन के ले लिए, और यहाँ मैंने 3 टुकड़े मैंने यहाँ स्टार फ्लावर ली हूँ, और ये मैंने ली हूँ जावेत्री 2 पीस ली हूँ मैंने। यहाँ 8 से 9 लौंग मैंने ले ली हूँ, और ये 2 बड़ी इलायची है, और ये तेज पत्ता, और ये शाजिया, और यहाँ 5 मैंने छोटी हरी इलायची ले ली हूँ। और अभी सबसे पहले मैंने एक पतीले में तेल गरम करने रख दिया है। यहाँ 1.25 किलो चावल के हिसाब से मैंने तेल ले लिया है 300 ग्राम। अभी मैं ये सारे गरम मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह, अभी थोड़ा सा इसमें ये गरम मसाला चटकने तक, इसके बाद अभी हम ऐड कर देंगे इसमें अनियन। मैंने यहाँ 300 ग्राम अनियन ली हूँ 1.25 किलो के हिसाब से। मेरे गरम मसाले चटकने लग गए हैं, अभी इसमें ऐड कर दूंगी मैं कटी हुई प्याज। यहाँ मैं 1 से 1.5 चम्मच में इसमें नमक ऐड कर दूंगी, ताकि हमारी प्याज जल्दी से हमारी प्याज फ्राई हो जाए। और अभी से मैं थोड़ी से थोड़ा मीडियम फ्लेम पर ढक दूंगी, ताकि ये भाप में अच्छी फौरन जल्दी से पक जाए। ये देखिए हमारी प्याज अच्छी फ्राई होने आ गई है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी 6 से 7 हरी मिर्ची। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी मैंने 4 टोमेटो ले लूँ मीडियम साइज के। हमने टोमेटो को अच्छी तरह मैश करने तक ये देखिए हमारे टोमेटो और हमारी प्याज अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं, टोमेटो भी स्मैश हो गए अच्छी तरह से। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारा चिकन। इसे हमने फास्ट फ्लेम पे ये भी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से हमने भून लेना है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 बड़ा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक खाने का चम्मच बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। यहाँ मैंने 100 ग्राम दही ले लिया है। अगर आपके पास दही ना हो तो आप 1 से 2 टोमेटो क्वांटिटी में आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं भी ऐड कर दूंगी अपने मसाले। ये मैंने गरम मसाला, ये सब हमारे होममेड मसाले हैं। ये मैंने गरम मसाला ली हूँ 1 चम्मच। ये 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ली हूँ, और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ भुना हुआ जीरा पाउडर ले ली। अभी इसे हम भी अच्छी तरह से हिला देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक और ऐड कर दूंगी, ताकि हमारे पीस में नमक वगैरह अच्छे से लग जाए। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी पुदीना ली हूँ मैंने यहाँ 1 कप, और यहाँ कसूरी मेथी। और अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, मैंने ये बड़ा नींबू है इसमें से मैंने 1/2 नींबू का रस मैंने डाल दिया है, अगर छोटा हो तो 1 डाल दे। और यहाँ मैं ऐड कर दूंगी, यहाँ मैं डाल दूंगी 3 ड्रॉप्स क्योडा वाटर। इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1/2 कप मेरा जो अभी मैंने टोमेटो काट ली थी उसका पानी छूट गया है, तो मैं ये पानी इसमें ऐड करके इसे मैं 5 मिनट तक ढककर पकने दूंगी। लगभग हमारा चिकन ऑलमोस्ट 60-70% पक गया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मसाला हमारा तैयार हो गया है। माशाल्लाह देखिए बहुत ही अच्छा हमारा मसाला तैयार हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, मैंने पानी को जोश बॉईल कर लिया है, इसमें उबाल आ गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक
चावल के हिसाब से मैंने नमक डालना है। यहाँ मैंने चावल आधा आधा से पौना घंटा भिगो दिया था। यहाँ मैंने बासमती चावल का यूज किया है, आप चाहे तो सेलर राइस वगैरह भी यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया पुलाव तैयार हो गया है। अभी इसे हम मीडियम फ्लेम पर ढक कर रख देंगे और बीच बीच में हमने इसे चलाना भी है ताकि हमारे बॉटल में लगे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए लगभग तैयार होने आ गया है, लेकिन अभी इसमें अभी भी पानी है तो हम इसमें चम्मच चला देंगे और इसे हिलाकर हमने फिर से एकदम हमने लो फ्लेम पे अभी रख देना है, ढककर रख देंगे हम इसे। सब तरफ से हमने चम्मच चला देना है ताकि हमारा, नहीं तो एक तरफ का चावल पक जाएगा एक तरफ का कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए हमने व्यवस्थित चम्मच चलाकर इसमें हमने इसे इस तरह से लेवल करके फिर से ढककर रख देना है। अभी इसमें हम आखिरी डंडी एक और चला देंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा पुलाव तैयार हो गया है, इसमें माशाल्लाह काफी हद तक पक चुका है हमारा पुलाव। अभी हम इसमें डाल देंगे ऊपर से फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अभी मैंने इसके नीचे तवा रख दिया है। ये फूड कलर देखो हमने इस वक्त डालना है कि इसके बाद अभी हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना है। ये देखिए माशाल्लाह भाप आ चुकी है, अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये मैंने इसके ऊपर प्याज डाल दी हूँ। माशाल्लाह अभी मैं कर दूंगी फ्लेम को बंद और मैं निकालूंगी सर्विंग प्लेट पे। निकाल दिया मैंने सर्विंग प्लेट पे, इसके ऊपर अभी मैं थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैंने बिरिस्ता डाल दिया है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।